हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडवो प्रसाद। तो कैसे हो आप सब? होप आप सब बढ़िया रहेंगे बिल्कुल मेरी तरह। तो आज की इस वीडियो में हम हमारे FZ वर्जन 3 BS6 मॉडल पे हजार्ड फ्लैशर इंस्टॉल करने वाले हैं। वैसे तो हजार्ड फ्लैशर बहुत सी कंपनी के आते हैं मार्केट में, लेकिन आज मैं आपको प्लग एंड प्ले हजार्ड फ्लैशर इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। क्योंकि दूसरे फ्लैशर आप इंस्टॉल करोगे तो उसमें आपको वायरिंग का झंझट मारी करना पड़ेगा। जैसे कि सिमटेक का ब्रांड है, उसमें आपको इसमें यूनिवर्सल फ्लैशर इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि FZ वर्जन 3 के लिए कोई फ्लैशर अवेलेबल नहीं है मार्केट में। तो आज मैं आपको प्लग एंड प्ले हजार्ड फ्लैशर इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। लेकिन गाइस, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स ऑन व्हाट्सएप एंड फेसबुक के ऊपर। सो गाइस, लेट्स डू द अनबॉक्सिंग ऑफ द प्रोडक्ट एंड उसके बाद उसका इंस्टॉलेशन देखते हैं। लेट्स गो। सो फ्रेंड्स, ऐसा कुछ प्रोडक्ट मुझे रिसीव हुआ है रेस डायनामिक्स से, अब इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। ऐसा कुछ हजार्ड फ्लैशर है फ्लैशएक्स से। इसमें आपको प्लग एंड प्ले है, 60 पैटर्न्स, नो स्विच। इसमें आपको कोई स्विच रिक्वायर्ड नहीं है, ये डायरेक्टली आपके स्टॉक टर्न इंडिकेटर से ऑपरेट होगा। टेल लैम्प इंटीग्रेशन, ऑनबोर्ड LED इंडिकेटर, वाटर रेजिस्टेंस, OEM ग्रेड कंपोनेंट्स, शॉक प्रूफ, मेमोरी रिकॉल, स्लिम एंड स्लिक डिज़ाइन। मेमोरी रिकॉल का फंक्शन मैं आपको दिखाता हूँ, जो अपने लास्ट सेव पैटर्न रहेगा वो बाय डिफॉल्ट ऑन हो जाएगा। और ये जो हजार्ड फ्लैशर है वो हीरो एक्सपल्स BS6 मॉडल का है, वो मैं आपको अभी ओपन करके दिखाता हूँ। ये इसका वायरिंग है। ये हमारा फ्लैशर यूनिट, जो मेन यूनिट है, इसको साइड में रख देते। ये आप देख सकते हो यहाँ पे कपलर टू कपलर फिट है। अब ये बाइक में ऐसे रबर फिटिंग आता है, तो इसके वजह से मैंने हीरो का परचेज किया है। आप देख सकते हो यहाँ पे एक्सपल्स लिखा हुआ है। अब ये फ्लैशर इंस्टॉल करने के लिए आपको बाइक का रियर सीट ओपन करना होगा, तो इसको पहले ओपन कर देते। तो फ्लैशर इंस्टॉल करने के लिए आपको सबसे पहले ये जो यूनिट है इसको साइड में रखना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे टेल लाइट का स्विच और साइड इंडिकेटर्स के कपलर आपको ढूंढने हैं। जैसे कि मेरा टेल लाइट का स्विच ये है और साइड इंडिकेटर्स के स्विच मेरे ये है दो। तो इसमें आपको ग्रीन और ब्राउन, ये आपके पॉजिटिव है, और दोनों ब्लैक जो आपके नेगेटिव है। तो नेगेटिव को हाथ नहीं लगाना है, खाली पॉजिटिव को ही आपको हाथ लगाना है। तो ये मैं निकाल देता हूँ यहाँ से। और अपना फ्लैशर का जो है, सबसे पहले तो टेल लाइट का लगा देंगे स्विच। ये टेल लाइट का हो गया। अब बचा इंडिकेटर्स का, तो इंडिकेटर्स का आपको ये कपलर टू कपलर ऐसे फिटिंग करना है। दैट्स इट गाइस, फिटिंग तो हो गया। अब इसको चालू करके देखते हैं। चालू करने के लिए आपको इग्निशन ऑन करना है, तो ये डायरेक्टली यहाँ पे ब्लिंक करना चालू करेगा, मतलब आपका फ्लैशर रनिंग है। फ्लैशर को एक्टिवेट करने के लिए आपको जो स्टॉक स्विच है इसको राइट लेफ्ट राइट सेंटर करना है, तो आपका हजार्ड फ्लैशर चालू हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो दोनों साइड का इंडिकेटर ब्लिंक हो रहा है। इसे पैटर्न चेंज करने के लिए आपको लेफ्ट और सेंटर दबाना है, तो इसका पैटर्न चेंज हो जाएगा। आप देख सकते हो अभी कौन सा पैटर्न लगा हुआ है। पैटर्न सेव करने के लिए आपको
राइट और सेंटर दबाएं तो ये बटन सेव हो जाएगा और आपका फ्लैशर बंद हो जाएगा। इसका जो मेन व्यू है आपको नाइट में पता चलेगा एग्जैक्टली कैसे वर्क कर रहा है ये। सो गाइस, हजार्ड फ्लैशर इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। इंस्टॉलेशन काफ़ी इजी था। यामा का ऐसा कोई ऑफिशियल फ्लैशर नहीं है, इसलिए हम लोग ने अपने ट्रिक्स से ये हीरो एक्सपल्स का फ्लैशर इंस्टॉल किया इसमें और ये परफेक्ट वर्क भी कर रहा है, आप ये पीछे देख सकते हो। सो गाइस, हम लोग अभी आ चुके हैं नाइट व्यू लेने। फ्लैशर को एक्टिवेट करने के लिए आपको इंडिकेटर का स्टॉक स्विच है उसको राइट लेफ्ट राइट सेंटर करना है। तो देखो फ्लैशर एक्टिवेट हो जाएगा, आप देख सकते हो आगे से व्यू कितना एकदम प्रॉपर आ रहा है और काफ़ी पावरफुल भी लग रहा है। एक बार पीछे से भी आपको दिखा देता हूँ। अब ये पैटर्न चेंज करने के लिए आपको जो स्टॉक स्विच है उसको लेफ्ट और सेंटर करना है तो आपका पैटर्न चेंज हो जाएगा। आपको कोई एक्सटर्नल स्विच लगाने की ज़रूरत नहीं है इस फ्लैशर में, इस इनबिल्ट स्विच पे ही वर्क करता है। अब इस पैटर्न को सेव करने के लिए आपको जो स्टॉक स्विच है उसको राइट और सेंटर कर दोगे तो ये फ्लैशर डीएक्टिवेट होके बंद हो जाएगा। अब जैसे ही मैं इसको वापस से चालू करता हूँ राइट लेफ्ट राइट सेंटर, तो देखो जो पुराना सेव था पैटर्न वही चालू हो गया है। होप गाइस आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है मेरा वीडियो तो वीडियो को लाइक कर देना। टिल देन, राइट सेफ, बी सेफ, बाय गाइस।